मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। अगर हम बात करें इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका की नदियां पढ़ी थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। अगर हम बात करें तो हेडिंग क्या डलेगी आज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां। ठीक है, अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पूर्व की साइड है ये कौन सा महासागर पड़ता है भैया, तो ये पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगर इसके पश्चिम में बात करें तो कौन सा महासागर पड़ेगा, प्रशांत महासागर पड़ेगा, प्रशांत महासागर। अगर इसके उत्तरी हिस्से की तरफ जाएं तो वहां हिस्सा किसका है, ये जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर ये किसके अंतर्गत आता है, तो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये एक ही स्थल खंड से जुड़े हुए हैं, और उस वो जो देश है वो कौन सा है, पनामा। ये पनामा क्या करता है, दोनों देशों को जोड़ता है। लेकिन इन दोनों स्थल खंडों को अलग करने के लिए क्या हुआ कि यहां पर एक नहर बना दी गई पनामा में, जिसका हमने क्या नाम रखा, पनामा नहर। ठीक, तो अब बोला जाता है कि दोनों स्थल खंडों को मतलब उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कौन करता है, तो पनामा नहर करती है। पनामा नहर किस देश में है, तो पनामा देश में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाली नदियों की। अगर हम नदियों के आधार पर देखें, ठीक है, तो नदियां जो हैं यहां पर एक अपने अपने अलग अलग तंत्र बनाती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, या एक ड्रेजन पैटर्न बनाती हैं, ड्रेनेज पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं भैया, अपवाह तंत्र बोलते हैं, अपवाह तंत्र। अब ये जो अपवाह तंत्र है, यहां कितने मुख्य अपवाह तंत्र है, तो चार अपवाह तंत्र है। कितने अपवाह तंत्र है, चार अपवाह तंत्र है। अब ये जो चार अपवाह तंत्र है, इन चार अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हम जब सबसे पहले की बात करें ऊपर से लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले पड़ता है ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर या ओरिनोको नदी बेसिन या नदी तंत्र बोल सकते हैं इसे। ठीक है, दूसरा जो पड़ता है वो पड़ता है अमेजन नदी तंत्र या अमेजन नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन पड़ता है। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा पड़ता है, पराना पड़ता है, और चौथा तो साओ फ्रांसिस्को पड़ता है, साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को रिवर सिस्टम जो है वो है। तो कितने मुख्य अपवाह तंत्र हैं, चार अपवाह तंत्र हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। जब हम सबसे पहले अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो वो कौन सा है, ओरिनोको नदी बेसिन है या ओरिनोको नदी तंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मुख्य नदी, मुख्य नदी, मुख्य नदी कौन सी ओरिनोको नदी तंत्र में, तो ओरिनोको नदी है, ओरिनोको नदी। इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, वो उद्गम स्थल कहां है, तो पारिमा पर्वत है, पारिमा पर्वत कहां पड़ेगा, तो वेनेजुएला में पड़ेगा, वेनेजुएला। ठीक है, इसके बाद ये जो ओरिनोको नदी है, जब हम इसके मुहाने की बात करते हैं कि इसका मुहाना कहां है, तो इसका मुहाना कहां है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर। ठीक, या अटलांटिक महासागर की जगह कभी कभी क्या आ सकता है, कैरेबियन सागर आ सकता है, कैरेबियन सागर।
ठीक। तो दो चीज हो गई, उद्गम स्थल हो गया, मुहाना हो गया। अगर हम इसके लेंथ की बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है, 2830 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें, मुख्य सहायक नदियां जो हैं, मुख्य सहायक नदियां, तो ये जो मुख्य सहायक नदियां हैं दो तरह की होंगी। एक तो कौन सी है, जो बाएं तट पर मिलने वाली हैं, बाएं तट पर। एक कौन सी होंगी, जो आपकी दाएं तट पर मिलने वाली हैं, दाएं तट पर मिलने वाली। जब हम बाएं तट की बात करते हैं तो कौन सी नदी है, मेटा नदी है। मेटा नदी कहां जाकर मिलती है, तो प्यूटो पेज के पास जाकर मिलती है, प्यूटो पेज के पास। ठीक है, इस नदी से आगे, इस नदी से आगे जब ये दोनों का संगम होता है तो उसके आगे जो आपकी ओरिनोको नदी है वो क्या कहती है, पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और लाओनोस के जंगलों से होते हुए कहां चली जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कैरेबियन सागर में जाकर गिर जाती है। अपना मुहाना जो है कहां, कैरेबियन सागर में। जब हम दाएं तट पर बात करते हैं, दाएं तट की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा एक ही है, वो कौन सी है, कारोनी नदी है, कारोनी नदी। और ये जो कारोनी नदी, अब ये जो कारोनी नदी है ये क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भी है, लंबी सहायक नदी। ठीक है, इसी की एक सहायक नदी है, इसी की भी क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी। वो कौन सी है, तो चुरुन सहायक नदी है इसकी। और उस चुरुन नदी पर क्या है, तो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजल जलप्रपात। और ये जो एंजल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 979 मीटर है। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर। अब इससे बात करते हैं दूसरे नदी तंत्र की। तो अगर देखा जाए पूरे साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, तो उसमें तीसरा सबसे बड़ा कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, नदी तंत्र है आपका, तो वो कौन सा है, ओरिनोको नदी तंत्र है। ठीक है ना, चलो जब हम दूसरे नदी तंत्र की बात करते हैं तो दूसरा जो नदी तंत्र है वो कौन सा है, इससे जस्ट नीचे, तो वो है अमेजन नदी तंत्र, अमेजन नदी तंत्र। ठीक, अब ये जो अमेजन नदी तंत्र है ये क्या है, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। देखो दो बात है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, या दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो अमेजन नदी तंत्र है, दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र अमेजन नदी तंत्र है। ठीक है, अगर हम इस अमेजन नदी तंत्र में बात करें किसकी, मुख्य नदी की, कि इसमें मुख्य नदी जो है वो आपकी कौन सी है, तो मुख्य नदी है आपकी अमेजन नदी, अमेजन नदी है। ठीक है, मुख्य नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। अब इसके हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल की, उद्गम स्थल, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, मिसमी पीक है, मिसमी पीक, जो कहां पड़ेगा आपका, पेरू में पड़ेगा, मिसमी पीक है जो कहां पड़ेगा, पेरू में पड़ेगा। ठीक, इसके बाद
एक्चुअली में है क्या कि जो पेरू में मिस्मी पीक है वहां से जो नदी निकलती है आपके अमेजन, उसे हम क्या बोलते हैं, अपूरी मैक बोलते हैं। अपूरी मैक क्या बोलते हैं, अपूरी मैक, ठीक है। ये नदी आगे चलकर एक दूसरी नदी से मिलती है, और जब दूसरी नदी से मिलती है तो क्या हो, क्या बनाती है, ये कौन सी नदी बन जाती है, उक्यावली नदी बन जाती है, उक्याली, उकायाली नदी बन जाती है, उकायाली नदी बन जाती है। और उकायाली नदी जब किससे मिलती है, मारानोन नदी से मिलती है। देखो अगर दूसरी तरीके समझे, तरीके से ये समझ लो कि यहां से अगर हम बात करें, यहां से जब ये नदी जाती है तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, अपूरी मैक के नाम से। अपूरी मैक, और ये नदी पेरू में अपूरी मैक के नाम से जानी जाती है। अब इसमें एक दूसरी नदी आकर मिलती है, ये नदी मिलने के बाद में ये जो यहां से आगे नदी जाती है इसका नाम क्या हो जाता है, तो उकायाली नदी हो जाता है, उकायाली। अब ये जो उकायाली नदी है इसमें आगे आकर एक और नदी मिलती है, ठीक। ये जो नदी है इसका नाम क्या है, तो मारानोन। मारानोन नदी जब मिलती है उकायाली नदी में, तो यहां से आगे ये किसके रूप में निकलती है, अमेजन नदी के रूप में निकलती है। जैसे आपने गंगा पढ़ी होगी तो उसी तरह से क्या है, गंगा किससे मिलकर बनी है, तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। ऐसे ही जब अमेजन की बात करते हैं तो उकायाली और मारानोन नदी से मिलकर बनती है। उकायाली को में जब मारातोना प्लस एक और नदी आकर मिलती है तो उसे हम अपूरी मैक आकर मिलती है, तो उकायाली बनती है। या हम कह सकते हैं कि अमेजन नदी को, अमेजन नदी को पेरू में किस नाम से जाना जाता है, तो पहले अपूरी मैक के नाम से जाना जाता है, फिर उकायाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब हम इस अमेजन नदी की बात करते हैं तो अमेजन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों में सहायक नदियां, सहायक नदियां, और ये जो सहायक नदियां हैं इसमें एक बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, कौन से तट पर मिलने वाली, बाएं तट पर मिलने वाली, पर मिलने वाली सबसे सहायक नदी जो है, सबसे मुख्य है, वो कौन सी है, तो निग्रो नदी है। कौन सी है, निग्रो नदी। अब ये जो निग्रो नदी है, निग्रो नदी कहां है, ये रही, ठीक, यहां से निकलती है रियो कायली के नाम से, मारानोन नदी धराकर मिलती है, और यहां के बाद में, यहां के बाद ये नदी जब आगे की तरफ जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, अमेजन के नाम से जाना जाता है, अमेजन नदी के नाम से, ठीक। इसके आगे, इसके बाएं तट पर सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी आकर मिलती है, तो निग्रो नदी आकर मिलती है, और निग्रो नदी जहां आकर मिलती है, जहां संगम बनाती है, वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, मानस शहर। क्या, किस नाम से जाना जाता है, मानस के नाम से, मानस। अब ये जो मानस शहर है, यहीं पर एक मानस बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है, ये लगा लो कि जो अटलांटिक महासागर है उससे कितने किलोमीटर अंदर है, तो 1600 किलोमीटर अंदर है। कितने अंदर है, 1600 किलोमीटर अंदर तक यहां वाटर ट्रांसपोर्टेशन आपका है, या जल परिवहन 1600 किलोमीटर अंदर तक होता है अमेजन नदी में, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं दाएं तट पर मिलने वाली मुख्य नदियों की, दाएं तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है रिया मदेरा, रिया या रियो बोलते हैं, रियो मदेरा नदी। अब ये जो रियो मदेरा है, ये जो रियो मदेरा है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी विशेषता क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है ये, ठीक। सबसे लंबी सहायक नदी अमेजन नदी की कौन सी है, तो रियो मदेरा है, ठीक है।
अब इसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो पुरुष है, पुरुष है। तीसरी सहायक नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी है, जिंगू है, जिंगू। तो तीन मुख्य इंपॉर्टेंट नदी इसकी हैं, सहायक नदियां जो दाएं तट पर मिलने वाली हैं, और उसमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, रियो मदिरा नदी है सबसे लंबी सहायक नदी, दूसरी कौन सी है, पुरुष है, तीसरी जिंगू है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको याद रखनी है, रियो मदिरा नदी। ठीक, जब हम बात करते हैं इसके मुहाने की, कि इसका मुहाना जो है अमेजन नदी का वो कहां पर है, तो इसका जो मुहाना है अमेजन नदी का वो कहां पर बनता है, आपके अटलांटिक महासागर में बनता है। जब इसके मुहाने की बात करते हैं तो मुहाना कहां है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। और ये किस चीज का निर्माण करती है वहां पर, तो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, अगर इसके बारे में दूसरे फैक्ट की बात करें तो दूसरा फैक्ट क्या है कि ये दुनिया की लंबाई के मामले में, दुनिया की लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितनी है, तो 6575 किलोमीटर है। कुछ कुछ स्रोतों में कितनी है लंबाई इसकी, तो 6400 किलोमीटर है। कितनी है, 6575 किलोमीटर, या फिर कुछ में कितनी है, कुछ स्रोतों में 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्लस अगर हम बात करें वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम कि साल में कितना पानी कौन सबसे ज्यादा गिरती है, तो वो कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र, दूसरी सबसे लंबी नदी, प्लस पानी के वॉल्यूम के हिसाब से बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी नदी। ठीक, प्लस ये जो अमेजन नदी घाटी है, जो अमेजन नदी घाटी है, अमेजन नदी घाटी आपकी कुछ और फैक्ट की वजह से इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी घाटी, सबसे पहली बात तो क्या कि यहां वर्षा ज्यादा होने के कारण, वर्षा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हरियाली, पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, वन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वर्षा वन, और यहीं पर वर्षा वनों की वजह से क्या होता है, जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता अलग होती है, अलग मतलब सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है, तो वो अमेजन नदी घाटी के जंगलों में है, या अमेजन के जंगलों में है। ठीक, प्लस जब यहां जंगल बहुत ज्यादा है, ये पूरे में क्या है, जंगल है, और जंगल होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। अब ये जो फेफड़ा है पृथ्वी का, इसे क्यों बोला जाता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें इस अमेजन नदी घाटी से। कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो पूरी पृथ्वी पर होने वाली ऑक्सीजन का लगभग लगभग कितना, 20% ऑक्सीजन हमें अकेले अमेजन के जंगलों से मिल जाती है। इसी वजह से पृथ्वी का फेफड़े के रूप में, पृथ्वी के लंग्स के रूप में जाना जाता है अमेजन जंगलों को। बात आती है जैव विविधता की, जैव विविधता क्या होती है, एक तरह से ये समझ लो कि कोई एक रूम है, ठीक, 10x10 का। अब ये जो रूम है 10x10 का, इसमें पहले कितने रखे लोग, 10 लोग रखे, ठीक, इसी 10x10 के रूम में 10 लोग रखे, वो अच्छे से खाए पिए सब मोटे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसी 10x10 के रूम में अलग अलग नाम के और 10 व्यक्ति भर दिए, 20 हो गए, फिर और भर दिए 10, फिर और भर दिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस 10x10 के घर में, रूम में,
कितने अलग अलग नाम के लोग हो गए, 100 हो गए। तो 100 अलग अलग नाम के लोग यहां पाए जाते हैं। ऐसे कितने बारे में, केवल 10 बाई 10 के कमरे में। पहले कितने थे, तो पहले 10 बाई 10 के में कितने थे, 10 लोग थे। तो अब लोगों की संख्या ज्यादा है, जगह इतनी है, लोगों का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। या लोगों की जो जो नाम है, या लोगों के नाम से जो जाने जाने वाली प्रजातियां हैं, वो ज्यादा हो गई। तो इस इतने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रूम है इसमें जैव विविधता ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही जंगलों में क्या होता है, किसी एक छोटे जंगल में जो बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहां क्या होता है, उनकी वहां जैव विविधता ज्यादा होती है। अगर कम प्रजातियां पाई जाती है तो जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें आपके दूसरे गंगा दूसरे नदी तंत्र की, तो वो कौन सा है, साओ फ्रांसिस्को नदी तंत्र। अब ये जो साओ फ्रांसिस्को नदी तंत्र है, ये इसकी जो मुख्य नदी है केवल एक ही है, कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी मुख्य नदी है। ठीक, इस साओ फ्रांसिस्को की नदी की जो उद्गम स्थल है, क्या उद्गम स्थल है, वो कहां से है, तो कैनेस्त्रा माउंटेन से है, कैनेस्त्रा पर्वत से है। और ये जो कैनेस्त्रा पर्वत है, ये कहां पड़ता है आपका, ब्राजील में ही है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली नदी कौन सी है, रियो फ्रांसिस्को नदी है। अपना मुहाना कहां बनाती है, जब इसके मुहाने की बात करते हैं, तो मुहाना कहां बनाएगी, अटलांटिक महासागर में। तो तीसरा जो नदी तंत्र, वो कौन सा है, साओ फ्रांसिस्को नदी तंत्र। मुख्य नदी कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को नदी है। ठीक, जो उद्गम स्थल है वो कहां है, तो कैनेस्त्रा माउंटेन्स है, प्लस पूर्ण रूप से ऐसी नदी जो कहां बहती है, केवल ब्राजील में बहती है। मुहाना कहां बनाएगी, तो ब्राजील अटलांटिक महासागर में बनाएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट नदी की बात करें, नेक्स्ट नदी तंत्र की बात करें, तो जो नेक्स्ट नदी है, नदी तंत्र है, वो कौन सा है, उसे हम जानते हैं पराना नदी तंत्र के नाम से, पराना नदी तंत्र के नाम से। इसी का दूसरा नाम एक और है। ठीक है, होता क्या है कि पराना नदी कहां से निकलती है, जो इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल की जब हम बात करते हैं, तो परनाइबा नदी निकलती है, परनाइबा नदी कहां से, ब्राजील से। और ये जो परनाइबा नदी है, ये नदी किसके साथ मिलती है, रियो ग्रांडे के साथ में। ठीक है, रियो ग्रांडे के साथ मिलकर ये नदी किसके साथ मिलेगी, रियो ग्रांडे के साथ। और ये नदी मिलकर रियो ग्रांडे के साथ क्या बनाती है, पराना नदी। अब पराना नदी आगे बहते हुए, जब थोड़ा आगे जाएगी, तो ये पराना नदी क्या करेगी, किसके बॉर्डर पर बहेगी, ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पर बहेगी। पराना नदी जब एंट्री करती है कहां, ब्राजील और पराग्वे देश की सीमा पर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध इताइप बांध किस पर है, पराना नदी पर है। ठीक है, जो कहां बहती है, कहां पर है मतलब, तो ब्राजील और पराग्वे नदी के, पराग्वे देश के बॉर्डर पर है। इससे जब ये आगे बहती है, तो इसके बाएं हाथ पर ये वाली जो नदी आ रही है, ये कौन सी है, देखो ये जो नदी आ रही है, ये कौन सी आपकी, पराना नदी है। ठीक है, और ये जो नदी है, ये वाली जो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है, ये कौन सी नदी आकर मिलती है, तो पराग्वे नदी आकर मिलती है, पराग्वे। तो अगर हम इसके पराना की मुख्य सहायक नदियों की बात करें, मुख्य सहायक नदियां, तो मुख्य सहायक नदी कौन सी है, जो दाएं तट पर आकर मिलती है, वो आपकी पराग्वे। ठीक है, मुख्य सहायक नदी कौन सी है,
पराग्वे है। उसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए जब ये आपकी गिर जाती है कहां, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में जो गिरने जाती है, मतलब इसका जो मुहाना है, इसका जो मुहाना है अटलांटिक महासागर में, उस मुहाने से थोड़ा सा पहले, उस मुहाने से थोड़ा सा पहले ये किस नदी से मिलती है, एक नदी इधर से आती है, उरुग्वे नदी। कौन सी नदी है, तो उरुग्वे नदी है, उरुग्वे नदी या उरुग्वे रिवर। ठीक, उरुग्वे रिवर क्या कहती है, इसके बाएं तट पर आकर मिल जाती है जस्ट मुहाने से पहले। तो जो इनकी सहायक नदियां हैं, इसकी दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, एक पराग्वे और दूसरी उरुग्वे। पराग्वे नदी भी कहां से निकलती है, तो ब्राजील से निकलती है। उरुग्वे नदी भी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है, ब्राजील है। लेकिन ये क्या कहती है उरुग्वे नदी, कि ये जब उरुग्वे में एंट्री करती है तो ये लगभग उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर बहती है। ठीक, ऐसे ही जो पराग्वे नदी, जो पराना नदी है, ये कहां बहती है, ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पर। ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पर जब बहती है, प्रवाहित होती है, तो वहां दुनिया के सबसे ऊंचे तीसरे बांध, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचे बांध का निर्माण कराती है। कौन सा है वो, इताइपु बांध है। ठीक, उसके बाद पराग्वे नदी ब्राजील से होते हुए, पराग्वे सिटी से होते, पराग्वे देश से होते हुए कहां आकर मिलती है, इसके दाएं तट पर आकर मिलती है, जो कहां जाती है, आगे जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और जहां ये जो आपका क्षेत्र है, जहां ये गिरती है ये जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रियो डी ला कलर चेंज, इसी को हम क्या बोलते हैं, रियो डी ला प्लाटा। ठीक, तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो पराना नदी तंत्र है वो डेल्टा नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है, ज्वार नदमुख बनाता है। ठीक है, तो पराना नदी में कितनी, पराना नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं, तीन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, जो यह क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रियो डी ला प्लाटा में कितनी नदियां आती हैं, तो तीन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक, पराना और जब पराना जब प्रवाहित होती है कहां, पराग्वे और ब्राजील के सीमा पर, तो कौन से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे बांध का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, इताइपु बांध परियोजना है। ठीक, और अपने मुहाने से जस्ट पहले पराना नदी के बाएं तट पर आगे कौन सी नदी मिलती है, उरुग्वे नदी मिलती है। तो यह आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, एक छोटी सी नदी रह गई है जिसका नाम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी था और इसमें भी है। चार नदी तंत्र हो गए, लेकिन जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी है, तो वो है कोलोराडो नदी। कौन सी है, कोलोराडो नदी। ये जो कोलोराडो नदी है, ये नदी अर्जेंटीना या रॉकीज माउंटेन से निकलती है और कहां गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में। लगभग इसकी लंबाई कितनी है, अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल क्या है इसका, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज माउंटेन्स है। ठीक, अगर हम इसके लेंथ की बात करें, लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी कितनी है, 1000 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसके मुहाने की, तो इसका जो मुहाना है वो कहां है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर। इससे जस्ट नीचे एक और नदी मिलती है, जो कौन सी है, रियो निग्रो नदी है। निग्रो नदी कहां है, रियो निग्रो नदी एक अमेजन की भी सहायक नदी है, और एक निग्रो नदी कहां मिलती है, नीचे भी मिलती है। कौन सी नदी के नीचे, जस्ट कोलोराडो नदी के नीचे। ठीक है, कोलोराडो भी दो है, इसे हम रियो कोलोराडो बोलते हैं, जबकि कोलोराडो नदी कहां थी, तो उत्तरी अमेरिका में थी। ठीक, आज की क्लास करते हैं हम यहीं समाप्त, इससे आगे नेक्स्ट महाद्वीप की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।